और भाई क्या हालचाल, समझता है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आप लोग सोच रहे हो कि अभी व्लॉग स्टार्ट क्यों हो रहा है, आवाज़ देख रहे हो ना? अभी तक मुझे आवाज़ ठीक नहीं हुई, मैंने गरारा वगैरह सारा कुछ कर लिया, गर्म पानी से थोड़ा सा नमक डाल के वो सब कुछ कर लिया, लेकिन आवाज़ नहीं क्लियर नहीं हो रही है। 12:30 बज गए हैं, देर तो देर 12:30 तो बज ही गए हैं, देर वैसे भी हो गई है, लेकिन क्या बताएं, आज मेरी ना एकदम मतलब ऐसा लग रहा है आज बहुत दिन के बाद दुकान लगा रहा हूँ, भले 3 दिन बाद लगा रहा हूँ, आजकल परसों शनिवार को नहीं लगाया था और कल नहीं लगाया, इसी चक्कर में। उस दिन मैं आपको बोला भी था एक भी दिन दुकान बंद कर दूँ ना तो प्रॉब्लम होती है, आज तो 3 दिन दुकान बंद हो गई। चलिए कोई बात नहीं, एनर्जी भरपूर है, कोशिश कर रहा था बोलने की नहीं बोल पाया, एकदम गला जाम है। चलिए कोई बात नहीं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे व्लॉग पे पहली बार हैं तो प्लीज़ व्लॉग को नहीं हो पा रहा है। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस सेलेक्ट कर और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर से ये गर्मी, बारिश हुई है बहुत तेज, और आज धूप ना बहुत तेज है, ऊपर से ब्लैक शर्ट, ऊपर से ये गर्मी। हो भाई साहब, देखो पार्टी का जो भी खर्चा हुआ ना, वो खर्चा हुआ मेरा तकरीबन आराम से बताता हूँ, डिटेल्स में बताऊँगा कि पार्टी का जो भी खर्चा हुआ वो मेरा 35,000 के आसपास पहुँच गया था, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा या फिर जैसा भी, तो वैसा अंदाजा मैं आपको बताऊँगा, एक दिन व्लॉग अलग से आएगा उसका। तो मेरे को दोबारा बोल, मेरा को देख के आपका मोबाइल चालू तो हो जाता है। इन लोगों का डिमांड रहता है कि आकांक्षा को वीडियो में लिया करो। ये क्या बांधी सर में? ये पानी पिलाटा पानी नहीं मेरे पास, ठंडा है तो नहीं है, जब मैं दुकान ले जाता हूँ तब तू कहाँ मिलती है रोज, कभी यहाँ पे मिलती है कभी वहाँ पे मिलती है। दादी की घर से आती हूँ। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होता है? 12:30। तो 12:30 बज गया अभी। आकांक्षा मेरे को रोज मिल जाती है रास्ते में। हाँ। पानी खत्म, घर जाती है घर में पी लेना, ढक्कन लीजिए। बताओ चाची ने मेरा बोतल खाली कर दिया। दुकान लेके पहुंचा भी नहीं हूँ, गर्मी लग रही थी बहुत तेज और बारिश होने लगी। अब बताओ बारिश होगी फिर थोड़ा सा ठंडा लगेगा, उससे पहले गर्मी लग रही थी, ऐसे में ही तो तबीयत खराब होती है फिर मेरी। वैसे ना एक टेबलेट रखा हूँ काउंटर में, उस दिन खाया था 3-4 दिन पहले एक टेबलेट, उसको खा लूँगा तो शायद अच्छा लगे, आज कमजोरी इसलिए। बच गया माँ कसम, बच गया भाई साहब बच गया। ये इतना बड़ा गड्ढा रहता है ना रोड में भाई साहब, हे भगवान। हाँ इतनी अच्छी छाँव थी, फिर से धूप हो गई, हो गया ना 10 का। अब मैं सोच रहा हूँ तिरपाल बांधूँ कि नहीं बांधूँ, लेकिन तिरपाल बांध नहीं बांधना भाई, उमस तेज लगती है, और खिलाऊँ? नहीं हो गया, धूप लग रहा था आपको, यहाँ पे आप छाए में बैठ के खा रहे हैं, बोलो ना। हाँ भैया चाट खत्म हो गई, सिर्फ एक चाट बची थी उसको मैं खा ले रहा हूँ, पता है यार मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ यार, मेरे सोच रहे हैं मतलब मैं सोच रहा था कि पानी पूरी वाला भैया जो चैनल है ना उसके लिए ना कहा तो वीडियोस बना के ला रहा था, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सारा सामान खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा भैया जो कपड़ा दुकान है ना बगल में उनका दुकान देख रहा हूँ, कहीं आज ना मैं बहुत अटक रहा हूँ भाई, पता नहीं क्यों खत्म हो गया, खत्म हो गया भैया। कल खाइए, कल बाबूलाल कल खाना, छोड़ेंगे तो मर जाएगा, नहीं मरेगा, कल खा लीजिएगा। मेरे को यहाँ बैठे बैठे आधा घंटा हो गया और भैया नहीं आया, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया, इसलिए मैं सोचा बैठ भी जाता हूँ और पूरा सर फट रहा है, मैं निकलता हूँ जब तक झाड़ू वगैरह लगा लूँ, आ जाएंगे देखते हैं। अच्छा ये बताइए काली वाली शर्ट कैसे दिख रही है? मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, और मैंने ये बता रहा था ना कि पार्टी में मेरा कितना खर्चा हुआ, तो पार्टी में मेरा कितना खर्चा हुआ देखो। हाँ भैया पानी है ना पीने वाला, तो मैं ये बता रहा था देखो 12,000 रुपये किराने का सामान आया था,
और मैं सोच के बताऊँगा ना, 5,000 रुपये हलवाई लिए थे 17,000 रुपये, और उसके बाद सब्जी लाया था 3,000 रुपये की, 17 और 3 20,000 रुपये, ठीक। और उसके बाद टेंट वाले को दिए 6,000 रुपये, कुर्सी वगैरह जो सारा कुछ सामान लाया था 26,000 रुपये, और उसके बाद 1,500 रुपये बैलून वाले को, 26, 27, 37.5, और क्या रह गया, हाँ वो जो कपड़े वगैरह दिए थे ना रिश्तेदारों को, जो भी मतलब टीका वगैरह में होता है, तो वो भी इसी में इंक्लूड करूँगा कि मेरे पार्टी में कितने खर्चा आया था। तो कपड़ा मैंने लिया था 7 से 8,000 रुपये, ठीक, तो 27 हुआ था ना, 27 और 7 35,000 रुपये हो गया, हाँ नहीं 27 और 7 35,000 रुपये हो गया। और पानी के कैन मंगवाया था मैं 400 रुपये के, 35,000 रुपये मान लो, 35,000 रुपये में पूरी पार्टी हुई, और भाई शानदार पार्टी हुई, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसी पार्टी सूरजपुर में पहली बार दी है, और पहले सोचा था कि बैठ के खिला देंगे, फिर मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई, पहले चैनल से पेमेंट आई थी कम, फिर बोला इतने में ना उतना नहीं हो पाएगा जितना मैं सोच रखा था, बट 29 तारीख को ना दूसरी पेमेंट दूसरे चैनल की भी आ गई, ब्लॉग चैनल की, इसी वाले चैनल की, फिर मैं बोला अब मज़ा आएगा भाई, मज़ा आ गया। उसके बाद भैया मैं भैया की दुकान देख रहा था, यहाँ पे कस्टमर आए हैं, ये पता नहीं कोई सा ब्रांड है, ये देखो इसमें ना एक बेल्ट है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार। मेरे को नहीं पता ये कौन सा ब्रांड है, कितने का बेल्ट है भैया, सही बताना रेट के बारे में, कितने का है बताना भाई, कितने का है, 47,000 है जो भी है, लेकिन 47,000 रुपये का बेल्ट यार, ये रहा ब्रांड, ये ब्रांड है ना, ठीक। पहली बार सुनो मैं, 47,100 रुपये होते तो चलो समझ में आता, 47,000 रुपये भैया, हो गया थोड़ा सा फेस वॉश किया ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस एकदम, देखते हैं इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। लोगों का कहना है, ये देखिए, बस बस ये यही कहना है लोगों का, क्या नहीं समझे आप, जैसे ही आप आते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं, लोगों का यही कहना है कि गप्पू भैया मस्त आदमी है, मुस्कुराता रहता है, बिंदास। आज वो जाना है, वहाँ जाना है, कहाँ, ढाबा, आज 4 तारीख है ना, आज पप्पू भैया से बात हुआ था, अच्छा आज पार्टी दे रहा है क्या, आज बात हुआ, नीरज मैंने फोन किया, बोलता आज ढाबा जाना है, और मिला हालत खराब है, देखते हैं चलते हैं कि नहीं, चल रहे हैं भाई, हाँ चलेंगे भाई, पक्का, हाँ पार्टी दे रहा तो क्यों नहीं आएंगे, मैं तेल, पार्टी तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाऊंगा मैं, एकदम सादे सादे खाऊंगा भाई, खिचड़ी मंगा देंगे आपके लिए ढाबा में, सात लोग हैं, 7 नहीं 8 लोग, हाँ ठीक ठीक, एक और बंदा आया है गुरु जी का भाई, क्या नाम उसका, प्रभात आया, सम्राट नाम है, क्या नाम है, प्रभात यार, हाँ गुरु जी का छोटा भाई आया है प्रभात, वो व्लॉग में कभी नहीं आता है, दोस्ती है, घुसा के एक बार दिखा दूंगा, शक्ल तो दिखा दूंगा, चलिए हम साथ पांडव, और तेल बचाओ ना भैया, लुड़काओ ना यार, लुड़काओ पहले आप ना भाई, आपका मेरा रेस थोड़ी ना है, ऐसा है, चलिए ना, ये बहुत वीकनेस लग रहा है, कहा है मौसम, हाँ मौसम भी, और खाना पीना नहीं खाया हो गया, नहीं खाना पीना खाया हूँ भाई, ये मौसम का हमें पक्का पता है, और वही थोड़ा सा सोया नहीं हो अच्छी तरीके से, वही घर में जो पार्टी था उसके चक्कर में, थकान रहा होगा आपको है ना, और फिर लेके निकल गए आप, दुकान लेके निकल गया, हाँ। मेरा ना थोड़ा सा हिम्मत नहीं था दुकान लगाने का, लेकिन लगा दिया, ठीक है भाई, पकड़ो स्कूटी में चला जाएगा, नहीं तो देख ले, संभाल लेना, देख 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 देख, बस गया बस गया, मैं तो मजाक कर दिया था, नीरज जी मजाक कर देता तो हो जाता, बस का फुल्की होगा, दे देना इसको भी ना, ऊपर पनीर रखा हुआ देख तो, तू भी कुत्ता से कम थोड़ी है, तू खा ले पहले, ग्रुप अपना बना था, ये रिंकू गंदगी किया ग्रुप में, पता है मैं क्या किया, आप क्या किए थे, ग्रुप बनाया था, मैं बनाया था व्हाट्सएप पे ना, तो आप नथु फुल्की चैट कर दिया, अरे यार ये बताओ, हम लोग 7 लोगों का फ्रेंड है ना, मोहल्ले में 7 लोग फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छे हैं, तो उन लोग इसका ग्रुप का नाम पता नहीं कुछ अजीब से लिखे थे, कहाँ है ना, कुछ अजीब से लिखे थे, मैं उसका नाम कर दिया नथू चाट पानीपुरी सेंटर, क्या गलत किया बता भाई, शुभम बेकरी हाउस, साई कंप्यूटर और गुप्ता जी का जो भी नाम है, मतलब सबका बिजनेस वाला जो भी नाम है सबका लिखना पड़ेगा, बिजनेस ग्रुप तो बना दिया आपने ना, तो व्यापार तो चारों का, अरे मैं बैठो भाई, तो गप्पू भैया ग्रुप बनाइए फिर, नहीं भाई अब इतनी क्षमता नहीं है मेरे अंदर, अपने अंदर आप ही दे देना उसको फुल्की, दे देना ऊपर पन्नी में से निकाल, और दे दे, शेरू कहाँ है, ना और कुछ नहीं बचा यार,
कुछ नहीं बचा है, पूरा पनीर में दे देना। सूखा पापड़ी बचा है यार। दे दो किनारे में, रख दो किनारे में, किनारे में खा ले, सिर नहीं खा ले। आओ गप्पू भेल क्या नीरज तो चला लिया, योगेश भी चला लिया, आप भी चलाइए इस तरफ, इस साइड इस साइड, उठा के उठा के उठा के ठीक उठाए ना। हाँ घर तक पहुँचाओ। नहीं भाई शर्म लग रहा है। नहीं शर्म नहीं लग रहा है, तो ताकत भी तो चाहिए, ताकत चाहिए। ठीक है सुनो ना, मैं जा रहा हूँ। ए नीरज नीरज मेरे पास, मैं जा रहा हूँ ढाबा वाला प्लान अगर कंफर्म हो जाए तो बताना फिर, ठीक है? हाँ तो इकट्ठा करना फिर बंदे लोगों को, तो मैं जा रहा हूँ घर, बताना फिर ना वो क्या बोलते हैं उसको पार्टी के लिए। और कल मैं सुबह तो दुकान बंद करूँगा, बताया था पानी पूरी भैया के लिए, लेकिन मेरा गला खराब हो गया है, कुछ है कुछ जुगाड़ हुआ। मैं बताऊँ ना, दूंगा मस्त एक नंबर का दवा, जैसे आप आवाज ना कोयल जैसा था, नहीं कैसा आवाज आएगा नहीं तो दवा तू कहा देगा, मतलब दुकान में मिलेगा कि? हाँ मेरे पास होगा, घर में, घर में है शायद। जा घर जा घर जा घर जा, मैं ठेला खड़ा करके जल्दी जा, देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, नहीं भाई, भाई 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 प्लीज प्लीज, मेरा सही बता रहा हूँ ना, मैं आज बोल भी रहा था ना वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था कुछ भी, मेरे को फील हो रहा है कि मेरे गले में क्या हालत है। मैं दिला दूंगा थोड़ा, चलो ना ले आओ ना गाड़ी, गाड़ी ठेला लगे, अच्छा ठेला मेरे चलेगा। नहीं नहीं जल्दी चल जल्दी चल, डर मत कर, डर मत कर, कम ऑन बॉयज कम ऑन। 3000 का महीना लगेगा ऐसा करवाओगे? 3000 महीना, 4000 दूंगा सर, बताइएगा ना उससे, गप्पू भैया से बात करके, पप्पू भैया से बात करना। हाँ बोले, मैं व्हाट्सएप पूछा था यार, क्या बोले और यार बार बार पूछो, बोले भाग यहाँ से नहीं जाना, बोल दिया ना, बोल दिया ना तो 8 बजे पहुँच जाओ, 8 बजे पहुँच जाओ, परेशान मत करो, एक खा के देखो। चल 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 चल, ये ऐसे गलत बात है ना, ये कहा रेलगाड़ी थोड़ी है यार, फुल्की खाएगी खाएगी फुल्की नहीं। हाँ जल्दी है जल्दी है जल्दी है जल्दी है, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए। ये लड़का है लेकिन ये लड़की टाइप से बोलती है ना, तू लड़का है कि लड़की? लड़की है ना, नहीं खिलाऊंगा चल, लड़की है ना, लड़की है ना बेटा, नहीं ले फुल्की खिला इसको, दही खाती है तू? दही नहीं खाएगी, फाड़ मत उसको, दही खाती है, खाली मीठा देना, खाली मीठा। तो यहाँ पे ना पार्टी पे जाने की तैयारी हो चुकी है, और माहौल में देखो सारे यहाँ लड़के लोग इकट्ठे हो गए हैं, और ये देखो हमारा तबला मास्टर बजा, उतरा हुआ है, नाच नाच नाच, बजाओ बजाओ बजाओ, चलो नाचो, ये देख देख देख, नाचने लगा देख, नाचने लगा देख, जो भी खाना खाएगा ढोलक बजाएगा मजा आ जाएगा। अरे शुभम भैया गाना गाइएगा ना, चल बजा, तो यहाँ पर थाली आ चुकी है, लेकिन खाने के लिए ना सिर्फ सलाद आई है अभी, तो सलाद कर रहे हैं देखो, वो भी कदम